दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने बॉलीवुड में जब अपना पहला डेब्यू किया तब उनकी पहली ही मूवी सुपरहिट हो गई थी और उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी सुपरहिट मूवी दी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि रजनीकांत को बॉलीवुड को अलविदा कहना पड़ा? दोस्तों, आपके लिए कमाल की इन्फॉर्मेशन लाई है, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, बॉलीवुड में रजनीकांत के पहली मूवी का नाम था अंधा कानून और इसी मूवी में इनके साथ थे अमिताभ बच्चन। तो सच बात यह है कि उस टाइम पर मिस्टर बच्चन सुपरस्टार थे, इसीलिए उनकी मूवीज में लोगों का अमिताभ बच्चन के सिवाय किसी और एक्टर पर ध्यान ही नहीं जाता था। इसीलिए उसके बाद रजनीकांत की जो मूवीज आई जैसे महागुरु, मेरी अदालत, ये सारी फ्लॉप हो गई। उसके बाद इन्होंने और भी मूवीज में काम किया जैसे गिरफ्तार, बेवफाई, चालबाज, हम और फरिश्ते। लेकिन इन सुपरस्टार मूवीज में काम करना ही इनकी सबसे बड़ी गलती हो गई, क्योंकि रजनीकांत इनमें से एक भी मूवी में लीड रोल में नहीं थे। ये सारी की सारी मूवीज मल्टी स्टारर्स थी, इसीलिए बॉलीवुड में रजनीकांत को मेन हीरो नहीं बल्कि सपोर्टिंग हीरो समझा जाने लगा। इसी कारण से बॉलीवुड में रजनीकांत मेन हीरो नहीं बन पा रहे थे, इसीलिए रजनीकांत ने बॉलीवुड को अलविदा कहा और तमिल यानी साउथ सिनेमा की ओर अपना ध्यान ज्यादा लगाया। वैसे रजनीकांत ने अपने करियर को बचाने के लिए ये सही किया या गलत किया हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही बॉलीवुड के गली गली का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।